नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं न्यू महिंद्रा इम्पीरियो पिकअप ट्रक का। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके प्राइस, फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। ये आप महिंद्रा इम्पीरियो VX सेकेंड टॉप मॉडल देख रहे हैं। इसके अंदर सिंगल और डुअल कैबिन दोनों मिलाकर टोटल 4 वेरियंट्स आते हैं। रेंज स्टार्ट होती है 6,80,000 से, टॉप मॉडल कीमत है 7,60,000 रुपीज। और इसका टॉप मॉडल महिंद्रा इम्पीरियो DC VX डुअल कैबिन के साथ आता है। और ये है स्टैंडर्ड हाइलोजन हेडलैम्प साइड इंडिकेटर्स के साथ। बात करते हैं फॉग लाइट की, तो इसके अंदर फॉग लाइट नहीं आती है। यहाँ पर आपको वाइट कलर का राउंड रिफ्लेक्टर मिलता है और यहाँ नीचे की तरफ सिल्वर कलर का रिफ्लेक्टर दिया गया है। और ये है इसकी फ्रंट सिल्वर एंड ब्लैक सिग्नेचर रेडिएटर ग्रिल। और यहाँ बात करें, यहाँ नीचे आपको लोअर ग्रिल देखने को मिल जाती है। यहाँ ऊपर की तरफ आपको महिंद्रा का लोगो दिया गया है। और कुछ इस तरह दिखता है इसका फ्रंट प्रोफाइल। टोटल 3 कलर में आती है महिंद्रा इम्पीरियो, रेड, वाइट और ब्लू। ये आप महिंद्रा इम्पीरियो का फ्रंट प्रोफाइल देख रहे हैं, जो काफ़ी अट्रैक्टिव है। टाटा योद्धा पिकअप ट्रक पर बेस्ड है महिंद्रा इम्पीरियो। काफ़ी शानदार फ्रंट प्रोफाइल है महिंद्रा इम्पीरियो VX का। महिंद्रा इम्पीरियो एक इंडियन कमर्शियल पिकअप ट्रक है, जिसे आप कमर्शियल यूज के लिए ले सकते हैं। हाँ, बट एक बात है कि जैसे महिंद्रा बोलेरो पिकअप ट्रक या मैक्सी ट्रक फेमस हुए हैं, इतना ज़्यादा फेमस नहीं है महिंद्रा की इम्पीरियो पिकअप ट्रक। यहाँ भी फ्रंट विंड सील पर आपको 2 वाइपर्स मिल जाते हैं और ऊपर रूफ पर थोड़े बहुत डिजाइंस मिल जाते हैं एयर फ्लो के लिए। और यहाँ पर साइड टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। और बात करें नीचे की तरफ, तो यहाँ पर आपको फ्यूल स्मार्ट की बैचिंग दी गई है। और अब बात करते हैं इसके डायमेंशंस की, तो इसमें आपको 5.2 मीटर लेंथ मिलती है, 1.8 मीटर विड्थ है, 1.9 मीटर हाइट है, 1750 kg कर्व वेट है, 211 mm ग्राउंड क्लियरेंस है, 3.2 मीटर व्हील बेस है, 6.3 मीटर टर्निंग रेडियस है और लगभग 3000 kg कर्व वेट है। टोटल ग्रॉस व्हीकल वेट है महिंद्रा इम्पीरियो का। जल्द ही महिंद्रा स्कॉर्पियो पिकअप ट्रक लॉन्च करने वाला है, जो इसी पर आधारित होगा। और अब बात करते हैं इसके टायर साइज़ की, तो इसके अंदर मिलते हैं आपको 16 इंच के स्टील व्हील्स, 225/75R 230 के टायर्स मिलते हैं। ये आप 225/75R 23 के टायर्स देख रहे हैं। आगे डिस्क ब्रेक, पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं महिंद्रा इम्पीरियो में। और अब बात करते हैं सस्पेंशन की, तो आगे लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलते हैं, पीछे इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन मिलते हैं महिंद्रा इम्पीरियो में। फ्यूल स्मार्ट टेक्नोलॉजी मिलती है महिंद्रा इम्पीरियो में, जिससे पॉल्यूशन कम होता है और एवरेज अच्छा मिलता है। सेफ्टी के अंडर इंजन इमोबिलाइजर, लॉर्ड सेंसिंग ब्रेक, ELR सीट बेल्ट, सेंटर लॉकिंग, कीलेस एंट्री, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, सीट बेल्ट वार्निंग्स, पावर स्टीयरिंग व्हील, फॉलो मी लाइट्स जैसे फीचर्स मिलते हैं। 3 साल की वारंटी देती है महिंद्रा इम्पीरियो पर। एंड कुछ इस तरह दिखता है इसका साइड प्रोफाइल। ये है साइड इंडिकेटर्स। और यहाँ नीचे आपको मिल जाती है इम्पीरियो VX सेकेंड टॉप मॉडल की बैचिंग। टॉप मॉडल में महिंद्रा इम्पीरियो DC VX डुअल कैबिन आएगा। इसके अंदर आपको डिजिटल सेंस टेक्नोलॉजी मिलती है, जिसके अंतर्गत आप रूट प्लानिंग, व्हीकल ट्रैकिंग, SMS अलर्ट, व्हीकल रिपोर्ट जैसे फीचर्स का लुत्फ उठा सकते हैं। आइए अब इसका साइड प्रोफाइल देखते हैं और रियर प्रोफाइल देखते हैं इसका। ये है रियर टेल लाइट। और यहाँ पर बीच में आपको महिंद्रा की इम्बोजिंग दी गई है, साथ ही रेड रिफ्लेक्टर स्ट्रिप दी गई है।
जो नाइट के टाइम पर रिफ्लेक्ट करेगा। ये है एग्जॉस्ट टेल पाइप, साथ में स्पेयर व्हील दिया गया है नीचे। ये है स्पेयर व्हील और कुछ इस तरह दिखता है इसका रियर प्रोफाइल। आइए पीछे का डेक ओपन करते हैं और देखते हैं डेक स्पेस। तो यहाँ पर मिलती है आपको 1220 केजी की डेक स्पेस। डुअल कैबिन में आपको 1070 केजी की डेक स्पेस मिलेगी। काफ़ी ज़्यादा डेक स्पेस मिलता है आपको महिंद्रा इंपीरियो में। फुल बॉडी होने के बाद 3 टन की लोड कैपेसिटी हो जाती है महिंद्रा इंपीरियो की। काफ़ी स्टाइलिश रियर प्रोफाइल है महिंद्रा इंपीरियो की। और यहाँ से ओपन करेंगे तो यहाँ से आपको डीजल फीलिंग का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप डीजल भरवा सकते हैं। महिंद्रा बोलेरो पिकअप ट्रक या मैक्सी ट्रक जितना फेमस नहीं है महिंद्रा इंपीरियो इंडियन मार्केट में। कम दूरी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक बेस्ट ट्रक है महिंद्रा इंपीरियो। आइए पैसेंजर साइड डोर ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पर आपको फुल ब्लैक कलर में डोर मिलता है। 2 स्पीकर्स का म्यूजिक सिस्टम मिलता है महिंद्रा इंपीरियो में। ये है डोर लॉक अनलॉक करने का बटन और यहाँ बीच में आपको डोर माउंटेड आर्मरेस्ट मिलता है। मैनुअली विंडो के कंट्रोल्स दिए गए हैं और यहाँ नीचे की तरफ बोतल होल्डर और स्पीकर दिया गया है। ये है स्पीकर, साइड में थोड़ी बहुत स्पेस दिया गया है। ये ऐसे दिखता है इसका फुल डोर और ये है इसका साइड फुट स्टेप। और ऐसे दिखती है अंदर की सीट्स। सीट्स पर विनाइल फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है। काफ़ी शानदार सीट्स मिलती हैं, रिक्लाइनिंग और स्लाइडिंग सीट्स मिलती है आपको। ये है एसी वेंट्स। पैसेंजर साइड डैशबोर्ड पर थोड़ी बहुत स्पेस दिया गया है, हैंडल बार दिया गया है। और ये है ग्लो बॉक्स, यहाँ भी आपको थोड़ा बहुत स्पेस दिया गया है जिसके अंदर आपका ऑनर मैनुअल वगैरह रखा गया है। इसे ओपन करके आप यहाँ से वाइपर फ्लूड फिल कर सकते हैं। और ऐसे दिखती है दोनों सीट्स पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं। सीट पर विनाइल अपहोल्स्ट्री दी गई है। यहाँ से आप इसे रिक्लाइन और स्लाइड कर सकते हैं। काफ़ी शानदार डैशबोर्ड की फिनिश दी गई है जैसा कि आप देख सकते हैं। आइए अब ड्राइवर साइड से डोर ओपन करके देखते हैं। ब्लैक कलर में आउटसाइड डोर हैंडल्स मिलते हैं। एक जो फीलिंग आती है वो फीलिंग नहीं आ रही है इस डोर की जैसे होनी चाहिए। और ऐसा दिखता है ड्राइवर साइड डोर, यहाँ पर भी आपको वही सब मिलता है। डोर माउंटेड आर्मरेस्ट है, नीचे बोतल होल्डर, स्पीकर और थोड़ी बहुत स्पेस दी गई है। डोर लॉक अनलॉक करने का बटन दिया गया है। ये है डोर माउंटेड आर्मरेस्ट, यहाँ पर थोड़ी बहुत स्पेस दी गई है। मैनुअल विंडो के कंट्रोल्स दिए गए हैं, वही सब है जो आपको पैसेंजर साइड डोर पर मिला था। इसके अंदर 2 DIN म्यूजिक सिस्टम मिलता है 2 स्पीकर्स के साथ। बाकी सभी चीज़ें ठीक है, बट अभी जो न्यूली स्कॉर्पियो पिकअप ट्रक आने वाली है उसमें मुझे लगता है कुछ चेंज करेंगे महिंद्रा, जो कि इससे बेटर होगा। बाकी यहाँ आप साइड स्टेप देख सकते, साइड फुट स्टेप देख सकते हैं। टायर प्रेशर का स्टिकर दिया गया है। और ये है ड्राइवर सीट, ड्राइवर सीट स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग के साथ आएगी। और कैबिन से पीछे की तरफ देखने के लिए आपको एक रियर विंडो दी गई है जिसे आप कस्टमाइज करवा सकते हैं ओपन और क्लोज करने के लिए। और ये है 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, ये है 3-स्पोक पावर स्टीयरिंग व्हील। सिंगल प्लेट ड्राई क्लच के साथ आती है महिंद्रा इंपीरियो। यहाँ पर आपको एसी वेंट्स दिए गए हैं, नीचे इको पावर मोड और लाइट के कंट्रोल्स दिए गए हैं। इको ड्राइविंग मोड, पावर मोड के बट कंट्रोल दिए गए हैं। यहाँ थोड़ी बहुत स्पेस दी गई है ड्राइवर के लिए। बोनट खोलने का लीवर दिया गया है। और ये है पैडल्स, ये कुछ इस तरह दिखते हैं इसके पैडल्स। यहाँ से ऑन कर सकते हैं आप।
एंड रियर से अगर देखें तो कुछ इस तरह दिखता है इसका लुक। रियर में काफ़ी बड़ी विंडो दी गई है। ओवरऑल बात करें तो एक बेस्ट ट्रक है महिंद्रा इम्पीरियो, और यहाँ से आप फुट रख के ऊपर चढ़ सकते हैं, यहाँ पैर रख कर आप ऊपर चढ़ सकते हैं डेक में। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं ड्राइवर के सभी कंट्रोल्स। सबसे पहले बात करते हैं साइड में, तो यहाँ पर आपको पीछे की तरफ दो ग्लास होल्डर्स दिए जाते हैं ऐसे ही से। स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, आगे की तरफ आपको थोड़ी बहुत स्पेस दिया गया है, और यहाँ ऊपर की तरफ एसी और सीट वेंटिलेशन के कंट्रोल्स दिए गए हैं। और यहाँ ऊपर म्यूजिक सिस्टम के लिए स्पेस दिया गया है, जहाँ पर आप टू डिन म्यूजिक सिस्टम लगवा सकते हैं आफ्टर मार्केट। यहाँ ऊपर दो एसी वेंट्स दिए गए हैं, बीच में हैजर्ड लाइट का बटन दिया गया है, और कुछ इस तरह दिखता है इसका डैशबोर्ड। पैसेंजर साइड डैशबोर्ड पर भी थोड़ी बहुत स्पेस दी गई है, साइड में एसी वेंट्स हैं। काफ़ी शानदार डैशबोर्ड की फिनिश दी गई है। पैसेंजर साइड सनवाइजर, बीच में रीडिंग लाइट्स है। ये है रियर व्यू मिरर, ड्राइवर साइड टिकट होल्डर। ये है वाइट बैकग्राउंड में स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बीच में डिजिटल डिस्प्ले है जो दिखाएगा स्पीड, फ्यूल लेवल, टोटल किलोमीटर, लो फ्यूल वार्निंग्स जैसे फीचर्स दिखाएगा ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। काफ़ी शानदार स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है महिंद्रा इम्पीरियो का। ये है वाइपर्स के कंट्रोल्स, और ये है लाइट के कंट्रोल्स, एंड कुछ इस तरह दिखता है इसका पावर स्टीयरिंग व्हील। बीच में महिंद्रा का लोगो दिया गया है। टिल्टेबल स्टीयरिंग व्हील मिलेगा आपको महिंद्रा इम्पीरियो में। और ये है इसकी एडवांस स्टैंडर्ड की। आइए बोनट खोलते हैं और देखते हैं डीजल इंजन। अगर आप एक छोटे व्यापारी हैं तो आप इस ट्रक को प्रिफर कर सकते हैं, बट मैं आपको प्रिफर करूंगा कि आप महिंद्रा बोलेरो पिकअप ट्रक की तरफ ही जाएं, क्योंकि इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है थोड़ा सा हाई है महिंद्रा बोलेरो पिकअप ट्रक से। और अब बात करते हैं इंजन की, तो इसके अंदर है 2500 सीसी DI इंजन कॉमन रेल टेक्नोलॉजी के साथ, जिसकी 75 BHP पावर है, 220 Nm टॉर्क है, और ये 13.5 km/h का एवरेज देगा 55 लीटर के फ्यूल टैंक से। 120 km/h की टॉप स्पीड है महिंद्रा इम्पीरियो की। तो ये थी आपकी महिंद्रा इम्पीरियो सेकंड टॉप मॉडल VX। कैसा लगा ये रिव्यू हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।